ये देखिए यहाँ तक ऑयल आया है। यहाँ पे हमने इसका जो फुटरेस्ट निकाला था ये यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, चार बोल्ट के हेल्प से ये रहता है, और इसी में आपका फुटरेस्ट और साइड स्टैंड होता है, तो इससे हम लोग लगा लेंगे। तो हमारा ये ब्रैकेट भी लग गया बहुत ही अच्छे तरह से। यहाँ पे इसका जो टेल लाइट है उसका एक फिलामेंट डैमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब ब्रेक इसमें अप्लाई होता है तो इसका टेल लाइट नहीं जलता है, तो हम लोग इसमें न्यू बल्ब लगा रहे हैं। प्लस इसका जो ओल्ड टेल लाइट का ग्लास था वो डिसकलर हो गया था, तो यहाँ पे मैंने न्यू ग्लास परचेस किया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये न्यू है और बहुत ही ब्राइट है, और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 99 रुपीस। और इस टेल लाइट के वायरिंग में भी इशू है, मुझे एक्चुअली कंप्लीट असेंबली ही चाहिए था बट वो नहीं मिल पाया मुझे, तो अब इसे ही रिपेयर करके मैं लगा रहा हूँ, और इसमें मैं अच्छे से सोल्डरिंग कर दूंगा और उसके बाद श्रिंक स्लिप से इसे हम लोग कवर कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ग्लास चेंज हो गया है तो एक लंबे टाइम के लिए ये अच्छा दिखेगा। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा स्क्रैचेस आ गया है तो इसे भी हम लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ओल्ड बल्ब फिट कर लिया है मास्किंग के लिए। तो ये पहले से बहुत ही बेटर हो गया है, इसमें हम लोग न्यू बल्ब लगा देंगे। और यहाँ पे इसका न्यू ग्लास, और ये कम्प्लीटली न्यू ही दिख रहा है। जब रिपेयर करना ही है तो बहुत ही प्यार से आप रिपेयर कीजिए, ये नहीं कि कहीं भी आपको टेप लगा दिए और बाद में वो हट गया, कहीं पे शॉर्ट हो गया, ऐसा नहीं। परफेक्ट, अगर मुझे ये टेल लाइट असेंबली कंप्लीट नहीं मिला है तो अगर ओल्ड को ही रिपेयर करना है तो अच्छे से इसे रिपेयर करना है ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ पे ये तीन नट और वॉशर के हेल्प से यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये टेल लाइट लग गया है। अब इसका पैनल हम लोग लगा देंगे, ये देखिए बहुत ही प्यार से इसके पैनल को हम लोग को लगाना है। ये देखिए परफेक्टली, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से स्क्रू रहता है, वो हम लोग लगा लेंगे। ऐसा चार रहता है और इसे ही आपको लगाना होता है। उसके बाद आ जाएगा सीट रिंग, ये 4 12 नंबर के बोल्ट से अटैच रहता है। उसके बाद हम लोग इसमें सीट इंस्टॉल करेंगे, बट सीट इंस्टॉल करने के पहले ये देखिए, ये जो टैंक लिप होता है मैंने विनाइल सीट का यहाँ पे बना लिया है इस तरह से, अगर नहीं रहता तो टैंक में रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, और लिवेरो के केस में आपने देखा था कि कैसे अच्छा खासा टैंक में प्रॉब्लम आ गया था, रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, तो यही केस इसके साथ नहीं हो, तो मैंने यहाँ पे विनाइल सीट का यहाँ पे टैंक लिप लगा दिया है। यहाँ पे अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपसे कोई गलती हो तो नेक्स्ट टाइम वो गलती आपको रिपीट नहीं करना है। एक्चुअली मेरी वो गलती नहीं थी,
जो ओल्ड ऑनर था उसका वो मिस्टेक था, बट अब वो मिस्टेक इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड बोल्ट होता है, वो मैंने लगा दिया है और ये सीट सिक्योर हो गया है। मैंने ओपन करते समय आपको बताया था यहाँ पे फिट होगा साइड पैनल, और यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रक्चर बना रहता है, इसी स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर जाएगा इस तरह से। बहुत लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं इसे फिट करने में, तो वहीं पे आपको फोकस करना है। वो अगर आपने सही से लगा दिया मतलब ये लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, और यहाँ पे एक स्क्रू, ये हमारा पैनल इंस्टॉल हो गया बहुत ही प्यार से। अब हम लोग जाते हैं दूसरी साइड। तो इस साइड बहुत सारा काम बचा हुआ है, हमें चेन इंस्टॉल करना है इसमें। तो ये न्यू चेन नहीं है, ये ओल्ड चेन है, उसी को मैंने क्लीन करके लुब्रिकेट कर लिया है। मैंने 2-3 दिन के लिए इसे ऑयल में ही रख दिया था, तो ये कम्प्लीटली सोक कर लिया है ऑयल को, और यह बहुत अच्छा काम करेगा। तो जब तक हम लोग न्यू चेन किट नहीं लगाते हैं तब तक ये परफेक्टली काम करेगा। बहुत अच्छे से ऑयल ये सोक कर लिया है, तो आइए इसे इंस्टॉल करते हैं। और इस तरह का जब भी आप कुछ काम करें तो आप ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें, आपके हैंड्स डर्टी नहीं होंगे। तो आइए इसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं बहुत ही प्यार से। ये देखिए बहुत अच्छे से आ रहा है। और यहाँ पे हमें लॉक लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग इसका लॉक लगाएंगे, तब जा कर के ये दोनों चेन एक दूसरे में अटैच होगा। नहीं आ पा रहा है, इस चेन को थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा तब ये आएगा। तो मैं चेन को लूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने एक्सल को आगे कर लिया है और अब चेन ईजली लग जाना चाहिए। और चेन कैसे टाइट करते हैं, एक्सल को कैसे ढीला करते हैं, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, तो ये सब पॉइंट मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है ये इजली लग जाना चाहिए। ये देखिए ये इजली अब लग जाना चाहिए, यहाँ लग गया, ये लॉक परफेक्टली लग गया। यहाँ पे इसका लिंक ये देखिए परफेक्टली लग गया है, और यहाँ पे ये लॉक बहुत ही आपको केयरफुली लगाना होता है। ये देखिए ये देखिए ये बहुत आराम से लग गया। और जब भी ये लगाइए तो इसका जो माउथ होता है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि ये रोटेट करेगा ऐसे, तो माउथ जो है इस साइड होना चाहिए इसका, नहीं तो वो जो लॉक है वो खुलने का चांस रहता है। तो अभी हमने चेन को तो बहुत लूज कर दिया है, ये देखिए बहुत ही लूज है, तो मैं इसे अच्छे से टाइट कर लेता हूँ, और टाइट करने के बाद इसका कवर लगा देंगे और ये रेडी हो जाएगा। तो मैंने चेन टाइट कर लिया है और अब इसमें हम लोग चेन कवर लगा लेंगे, और यहाँ पे एक कवर रहता है और गियर पैडल लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। और एक यहाँ पे पैनल लगा देंगे, तो जल्दी जल्दी लगाते हैं इसका चेन कवर। जब भी आप चेन कवर लगाइए तो पहले आप नीचे का लगाइए और उसके बाद ऊपर में लगाइए, तब थोड़ा सा इजी होता है। और जो स्लॉट्स बना रहता है दोनों चेन कवर एक दूसरे में मेट करता है, ऐसे यहाँ पे मेट करेगा, यहाँ पे मेट करेगा, तो ये सारा आपको ध्यान रखना है
नहीं तो फिर इरिटेट होइएगा आप। ये देखिए, आपको बहुत ही ध्यान से इसे लगाना है। पहले कंप्लीटली आपको टाइट नहीं करना है, जब सारा एक दूसरे में अटैच हो जाए तब जा करके आपको इसे टाइट करना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पेस बना हुआ है, स्लॉट बना हुआ है, जिसमें कि ये आएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक स्पेस बना हुआ है जिसमें कि उस साइड वाला पोर्शन आएगा। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये जो चेन कवर है आपके चेन में टच होगा, फिर अजीब टाइप का साउंड क्रिएट करेगा। तो हर एक चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है और तब इसे लगाना है। अगर आप एक बार अच्छे से लगा देंगे तो फिर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। हर एक चीज़ को आपको अच्छे से देख के लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे ये स्लॉट आपको देखना है, ये देखिए लग गया है। अब उधर जा करके आपको स्लॉट को देखना है कि उस स्लॉट में आया कि नहीं। अगर आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दो आपको बोल्ट लगा देना है, ये रेडी हो जाएगा। मैंने उधर जाके देख लिया है, परफेक्ट है, सही लोकेशन पे है, इधर उधर नहीं आया है, अंदर में जा चुका है। तो अब हमें यहाँ पे ये जो इसका बोल्ट है इसे आपको सिक्योर कर देना है। ये देखिए, बहुत ही अगर आप सही से लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही अगर आप सही से इसे नहीं लगाएंगे तो आप इससे 2 घंटा 3 घंटा लड़ते रहेंगे, तब भी ये आपसे नहीं लगेगा। तो बस इसका स्लॉट का ध्यान देना है आपको कि जितना स्लॉट है सब एक दूसरे में फिट हो जाए। और जब सब कुछ परफेक्टली सेट हो जाए तो सारे बोल्ट को आप टाइट कर दीजिए। ये देखिए, ये परफेक्ट हो गया, बहुत अच्छे से चेन कवर लग गया है। अब यहाँ पे जो एक कवर रहता है वो लगा देंगे और गियर पैडल लगा देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं लगा लेता हूँ, बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने ओपन किया था एग्जैक्टली उसी तरह लगाना है।